Hello everyone, welcome to Math Solution. I'm here to solve your math problems. Chapter number 1, Knowing Our Numbers. Exercise number 1.2, question number 6. पहले हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ मशीन On an average manufactures 2,825 screws a day. कहता है एक मशीन जो है लगभग एक दिन में 2,825 स्क्रू बनाती है। How many screws did it produce in the month of January 2006? आप बताइए कि जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। हम लिखेंगे डेज इन जनवरी मंथ कितने होते हैं, 31 डेज। ठीक है, इतने होते हैं ना। हमने पहले अपनी टीचर को बता दिया कि जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मशीन मैन्युफैक्चर 1 day, एक दिन में कितने बनाते हैं। तो कितने बनाते हैं, 2,825। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन 31 डेज, क्योंकि उन्होंने बोला था ना जनवरी मंथ में कितने बनाते हैं, तो 31 डेज, यहाँ पे हमने 31 डेज ही लिखना है, इन 31 डेज। तो कैसे चेक करना है हमने, 2,825 मल्टीप्लाई 31। जब हम 2,825 से 31 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा कि 31 डेज में वो मशीन कितने स्क्रूज बनाती है। हम यहाँ पे क्लियरली करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2,825 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1, 5 the 5, 1, 2 the 2, 1 is the 8, 1, 2 the 2 क्रॉस, 3, 5 the 15 or 1, 3, 2 the 6 or 1, 7, 8, 3 the 24, 4 or 2, 3, 2 the 6 or 7 or 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसे प्लस कर देते हैं नीचे, 5 का 5, 5, 2, 7, 8 और 7 मैंने पहले ही बोला था आपको, आप टिप्स पे कर लिया करो। देखो 8 के बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं 7 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हो गया। इधर यहाँ 15 आ गया, हम यहाँ 5 कर लेंगे, यहाँ 1 कह लीजिए, 4 और 2, 6 हो जाएगा और 1, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो कितने स्क्रू बनाती है हमारे, इतने 8, 7, 5, 7, 5 स्क्रूज जो है वो 31 डेज में बनाती है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फिर 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोज, उसने 40 रेडियो का जो है ऑर्डर दिया खरीदने के लिए। उसके बाद क्या, एट रुपीज 1200 ईच, और उसमें से हर एक की जो प्राइस कॉस्ट है जो कितनी है, 1200 है। How much money will remain with her after the purchase? यानी कि 40 रेडियो परचेज करने के बाद उसके पास कितनी मनी जो लेफ्ट ओवर है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे मर्चेंट हैड रुपीज इज इक्वल टू कितना है,
78,592। अब क्या है हमारे पास वन रेडियो की जो कॉस्ट दी गई है, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितनी है 1200। यहाँ पे रुपीज़ का साइन करते हैं। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो की निकालनी है ना, तो यहाँ पे 40 रेडियो हम लिखेंगे 1200 मल्टीप्लाई 40। यहाँ पे हम क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 0 0 0 में 0 करो तो 0 ही आएगा ना, 0 में 8 करो तो 8 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा और 48,000 आ जाए। यहाँ कॉमा लगा देते हैं, यानी कि 48,000 जो हैं वो कॉस्ट निकल आई 40 रेडियोज़ की। आगे अब उसने उसके बाद क्या बोला था, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कि उसके पास कितनी मनी बची 40 रेडियो परचेज करने के बाद। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब नाउ आपको पता है ना, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था मर्चेंट हैड रुपीज़ 78,592, वही मैंने नीचे लिखा है नाउ के बाद, देखो 78,592। अब इसमें से हम अगर 48,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगा कि किसके पास कितनी मनी जो है बैक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 48,000 यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो चलिए फिर लेस करते हैं इसको, 2 से 0 लेस 2, 9 से 0 9, 5 से 0 5, 8 से 8 0, 7 से 4 4 के बाद कितना देखो 5 6 7, 3 हो गया। तो उनके पास कितने हैं 30,592 रुपीज़ जो हैं रिमेनिंग है उसके पास 40 जो हैं रेडियो के सेट परचेज करने के बाद भी। तो यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए 8 क्वेश्चंस में क्या दिया है उसने, स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। उसने क्या कहा कि एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना उसने किसने से था 56 से। नेक्स्ट क्या कहता है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। आप बताइए उसने कहा है कि बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर, उसका आंसर कितना बड़ा आ गया जो उसका करेक्ट आंसर निकलना था 56 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी वैल्यू, 7236 को हम सबसे पहले करेंगे 65 से मल्टीप्लाई, और 7236 मल्टीप्लाई बाय 56 में। ठीक है, पहले हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे उसने कर दिया, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, और माइनस किसको करना है, 7236 मल्टीप्लाई बाय 56 को। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्लियरली करते हैं, पहले 65 था 30, कैरी हम 3 यहाँ पे पेंसिल से लिख लेते हैं, 5 3 था 15 16 17 18, इसका 1 कैरी, 2 5 था 10 और 1 11, फिर 1 कैरी है, 7 5 था 35 और 1 36। अब क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं,
क्योंकि हमें नेक्स्ट भी तो सॉल्व करना है ना, सिक्स से करते हैं। सिक्स सिक्स था 36, थ्री क्या, सिक्स थ्री था 18, 19, 20, 21, वन टू क्या, सिक्स टू का 12, 12 और टू 14, फोर फिर वन क्या, सेवन सिक्स था 42, 42 और वन 43, अब हम इसको प्लस कर देंगे, इसे हम इरेज कर देंगे साइड वाला जो पेंसिल से लिखा, क्योंकि वहाँ पे इरेज करना ही पड़ेगा, आपको शो नहीं करते हैं। ज़ीरो, एट और सिक्स को हम प्लस करते हैं, एट के बाद काउंट करना शुरू करते हैं, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर, यहाँ पे वन कैरी हो जाएगा, वन वन टू और वन थ्री, सिक्स और फोर टेन हो जाएगा, वन कैरी जाएगा, थ्री और थ्री सिक्स हो गए और वन सेवन हो गया, और फोर का फोर हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जब हमने 65 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम नेक्स्ट इस तरफ करेंगे दूसरा मल्टीप्लिकेशन, सेवन टू थ्री सिक्स, 56 से करेंगे, सिक्स सिक्स दा 36 हो जाएगा, थ्री जो है वो कैरी है, सिक्स थ्री का 18 और थ्री 19, 20, 21, वन और टू कैरी, सिक्स टू का 12, 12 और टू 14, वन कैरी, सेवन सिक्स था 42 और वन 43, यहाँ क्रॉस ये वाले हम इरेज कर देते हैं। फाइव सिक्स का 30, ज़ीरो थ्री क्या, फाइव थ्री था 15, 16, 17, 18, एट यहाँ आ जाएगा, वन क्या, फाइव टू था 10 और वन 11, वन क्या, सेवन फाइव था 35 और वन 36, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इनको हम प्लस कर देंगे, सिक्स वन, एट और फोर को काउंट करेंगे, देखो एट के बाद काउंट करो, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हो जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ, वन कैरी हो जाएगा, थ्री और वन फोर हो जाएगा और वन फाइव हो जाएगा, सिक्स और फोर अगर ऐसे नहीं आता वैसे टेन होगा, फिर भी हम करके दिखाते हैं, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, वन कैरी हो जाएगा, थ्री और वन फोर हो जाएगा, ये हमारे पास दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आ गई हैं, ये मैंने पहले 65 से मल्टीप्लाई किया, फिर 56 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 4 7 0 3 4 0 और इसकी वैल्यू क्या आई थी 4 0 5 2 1 6, इनको माइनस कर दीजिए, देखिए ज़ीरो में से सिक्स नहीं आप माइनस कर सकते, यहाँ से आपको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3, 10 से 6 लेस किया 4 आ जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा, 3 से 2 1 आ जाएगा, अब फिर से 0 में से 5 नहीं जाए, यहाँ पे हम 7 से बोरो करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 से 5 को लेस कीजिए 5 आ जाएगा, 6 से 0 लेस हो जाएगा 6 ही आ जाएगा, 4 से 4 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है जो इसका डिफरेंस है वो ये बन 65,124 का डिफरेंस है, यानी कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। वैसे आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो जैसे 7 2 3 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आप लिखिए 65 माइनस 56, तो ये कैसे आएगा हमारे पास
7236 मल्टीप्लाई 65 से 56 लेस कर दें तो हमारे पास 9 होता है। अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम आंसर आ जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई क्लियरली आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 7236 मल्टीप्लाई 9 6 था 54 5 9 3 था 27 28 29 30 31 32 2 आ जाएगा 3 कैरी जाएगा 9 2 था 18 19 20 21 2 कैरी 9 7 था 63 63 और 2 65। देखिए सेम आंसर आ गया ना आपका। तो ये सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड कंप्लीट होता है। चलिए 9th क्वेश्चन में हमारा स्टार्ट करते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। कहते हैं एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए होता है, ठीक है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स, उनके पास कितना है 40 मीटर क्लोथ है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। अब आपको ये बताना होगा कि उनके पास 40 मीटर जो है वो क्लोथ है, उसमें कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना उनके पास जो है वो कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। हम स्टार्टिंग में यही लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से हमारे पास टोटल क्लोथ कितना है 40 मीटर। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 40 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास कितना आया 4000 सेंटीमीटर। और एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज़ होता है, आगे हम लिखेंगे क्लोथ नीडेड 4 1 शर्ट। कितना चाहिए था हमें 2 मीटर, इतना ही दिया था ना 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 200 प्लस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 200 को 15 से प्लस कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर में हमें इतना चाहिए क्लोथ एक शर्ट के लिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें उन्होंने बोला हुआ था कि कितनी शर्ट्स बन सकती हैं 40 मीटर में, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे शर्ट्स लिखेंगे, स्टिचेस विद 40 मीटर क्लोथ, ठीक है। यानी कि 40 मीटर क्लोथ में हमारी कितनी बनेगी, हमने ऑलरेडी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 मीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 4215। अब अपने पेंसिल से इधर मल्टीप्लाई करके देख लिया करें कि कहाँ पे सॉल्व होता है। जैसे 215 को मैं 2 से करती हूँ तो 5 2 10, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4। ये देखिए 430 आ गया ना, लेकिन ये वैल्यू बढ़ गई है, हमारे पास यहाँ पे 400 है। तो हम फिर 1 पे ही इसको सॉल्व कर देते हैं, 215 लिख देंगे, सॉल्व करते हैं। फिर इसको बोरो करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 0 में से 5 नहीं जा सकता। पहले ये वाला 0 इसमें से लेगा, यहाँ काटेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा।
अब ये 10 इसको देगा, यहाँ काटेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 लेस कर दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 में से 1 8 आ जाएगा, 3 में से 2 1 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 185। 0 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब ये हमारा किस पे जाता है वो सॉल्व करके देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप अपने मन से सोच लीजिए, जैसे मैंने सोचा कि मैं 215 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। 6 5 30, 6 1 6, 7 8 9, 6 2 12। अभी वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है अभी भी। फिर से हम करके देखते हैं, 215 को मैं करती हूँ, एक मिनट हम इसे पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 215 को मैं 8 से कर लेती हूँ, 40 8 5 40, 8 1 8, 9 10 11 12, 1 के 8 2 16 और 1 17, ठीक है। अभी भी छोटा है, अभी फिर करके देखते हैं। 215 को मैं 9 से करती हूँ, 9 5 45, 9 1 9 और 4 13 हो गया, 1 carry, 9 2 18 और 1 19, देखिए वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो हम क्या उठाएंगे, 8 से कर लेते हैं सॉल्व, हम यहाँ पे 8 लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1720। ज़ीरो से 0, 5 से 2 लेस किया 3, 8 से 7 किया 1, तो हमारे पास वैल्यू होगी 130। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे 130, यहाँ पे 215, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा हमारे पास कितनी शर्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं, 18 शर्ट्स। ये जो वैल्यू आई है, ये जो क्वेश्चन आपका आया, ये आपकी शर्ट्स हैं कि इतनी शर्ट्स आप बना सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शर्ट्स, इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 शर्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं। और आपके पास जो क्लोथ है वो कितना रिमेनिंग है, वो कितना रहेगा आपके पास, ये वाला क्लोथ रिमेनिंग, या लेफ्ट लिख लो या रिमेनिंग लिख लो, जो आपको लगता है। 130 ये सेंटीमीटर में आ गया, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको मीटर में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था ना, 1 meter 100 centimeter, है ना। तो यहाँ पे 130 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 meter 30 centimeter क्लोथ जो है वो हमारा रिमेनिंग है, यानी लेफ्ट है हमारे पास। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है 9th। लास्ट हमने 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमने 6 to 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और मैंने बहुत ही क्लियरली आपको इसको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको कोई मुश्किल आए तो दोबारा वीडियो को रीप्ले करके देख लें, और लास्ट क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।